नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संभव एजुकेशन। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 8 बजे स्पेशल रेलवे के लिए क्लास होती है। तो आज की क्लास में हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन होंगे। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उनको भी ध्यान से सुनिए। रिकॉर्ड परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी को गुड इवनिंग। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अंग महाजनपद की राजधानी बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या फिर चंपा? डी करेक्ट आंसर होगा चंपा। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर दो के लिए। टीपू सुल्तान की राजधानी बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी। क्वेश्चन पूछा जाता है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी। तो आप लोग याद रखिएगा 1799 में। कब? 1799 में आप लोग याद रखिएगा टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। कहां पर हुई थी यह भी प्रश्न पूछा जाता है, श्रीरंगपट्टनम में। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये क्या पूछा गया है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रमेश चंद दत्त। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा? रमेश चंद दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फोर के लिए। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक बताइएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए दोस्तों स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सी राजगोपालाचारी। क्या ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा? स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी सी राजगोपालाचारी ने। क्वेश्चन नंबर फोर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। टॉक्सिकोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? ये रेलवे परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए। गुड इवनिंग। तो ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। टॉक्सिकोलॉजी किससे संबंधित अध्ययन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, विष से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा विष से संबंधित अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। तो सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार। वेरी गुड दोस्तों, गुड इवनिंग। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए। मनु भाकर किससे संबंधित है? अभी जो ओलंपिक हुआ था कहां पर हुआ था? पेरिस में। 2024 में पेरिस में ओलंपिक हुआ है, इसमें मनु भाकर ने पदक जीते हैं। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग। डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। डेली शाम को 8 बजे स्पेशल रेलवे के लिए क्लास होती है। टाइम को याद रखिएगा, सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, शूटिंग से संबंधित है। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइएगा। क्या पूछा गया है? नाबार्ड का फुल फॉर्म। अगर पूछ ले नाबार्ड की स्थापना कब हुई, इंपॉर्टेंट है, अभी याद रखिएगा 1982 में। कब? 1982 में नाबार्ड की। क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आप लोग याद रखिएगा मुंबई में, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में। अब इसका आंसर करिए, बताइए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? बी करेक्ट आंसर होगा इसका, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर सेवा ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर आठ के लिए। महाभारत के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? ये अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में, महाभारत के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा महाभारत को किसने लिखा है, किसकी रचना है?
पतंजलि की, किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या फिर चंद्रगुप्त प्रथम? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पुष्यमित्र शुंग सी करेक्ट आंसर होगा। या तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब पूछ लें शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा पुष्यमित्र शुंग ने शुंग की स्थापना की थी, और मौर्य वंश के बाद मगध पर जो शासन है शुंग डायनेस्टी शुंग वंश ने किया था। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बताइए यूरिन में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है? ये बायोलॉजी संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। क्या पूछा गया, यूरिन में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यूरिक एसिड। या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यूरिन में यूरिक एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड दोस्तों। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, बताइए किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। क्या पूछा गया, निम्न में से किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति मानते हैं? राइट आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन राय। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, राजा राम मोहन राय को भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा। ये ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है रेलवे की, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, फिर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं रिपीट होते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, विटामिन के की कमी का परिणाम क्या होगा? अगर शरीर में विटामिन के की कमी होगी तो क्या इसका परिणाम होगा, ये आपको बताना है। स्कर्वी रोग हो जाएगा, रुधिर का थक्का बनने में कठिनाई होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी, या फिर दृष्टि दोष होगा? तो सभी का आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए, आंसर आप लोग दीजिएगा, राइट आ रहा हूँ, आप लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रक्त का थक्का बनने में कठिनाई होती है विटामिन के की कमी से, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, बताइए नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ था? आपको बताना है नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता का, सी करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, क्या पूछा गया, नील नदी घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिस्र की सभ्यता का, बी करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा, नील नदी घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था, अरे सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, जल्दबाजी में सी पर टिक हो गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मिस्र की सभ्यता करेक्ट आंसर होगा। यस, मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था नील नदी घाटी में। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? तो सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत में कहां पर है ग्रीन पार्क स्टेडियम? आंसर करिए और जल्दी से आंसर करिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कानपुर में। कानपुर कहां पर है, कई बार मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश में है कानपुर। कानपुर कहां पर, उत्तर प्रदेश में है। चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, गंगा नदी के तट पर बसा है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं कानपुर को, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पूछा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, जो ग्रीन पार्क स्टेडियम है ये कानपुर में है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, ये सभी टॉप के क्वेश्चन है, इसी प्रकार के क्वेश्चन रेलवे की परीक्षा में पूछे जाते हैं, कोशिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। स्वर्ण मंदिर बताइएगा किस झील पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है, पंजाब के अमृतसर में है। स्वर्ण मंदिर जो बना है इसके आसपास एक झील है, उसका नाम आपको बताना है। किस धर्म से संबंधित है, ये भी पूछा जाता है, सिख धर्म से संबंधित है। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा, अमृत सरोवर झील। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर नहीं होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, बताइए दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है, किस देश का है, मलेशिया, अफगानिस्तान, भूटान या फिर श्रीलंका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीलंका। या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, दालचीनी मसाला जो है
मूलतः श्रीलंका का है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, सभी जल्दी से आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष में पारित हुआ था? आपको बताना है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है ये किस वर्ष पारित हुआ, 2012 में, 2014 में, 2011 में या फिर 2013 में? तो डी करेक्ट आंसर होगा 2013 में, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ था, डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, प्लासी की लड़ाई का मैदान आपको बताना है कहां पर है। आप लोग पहले क्वेश्चन का आंसर करिएगा, बताइए प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो सभी जल्दी से बताइएगा इसका आंसर बाद में कीजिएगा, पहले बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, अभी आंसर करिएगा। प्लासी की लड़ाई बताइए कब हुई थी। बहुत अच्छे सीमा, आपसे एक वेरी गुड, आपने राइट आंसर दिए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा 1757 में, कब, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी की लड़ाई हुई थी। रिंकू वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। वर्तमान में इसका मैदान कहां पर है, वेस्ट बंगाल में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। वीर वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, बताइए भारत में किसान दिवस कब मनाते हैं। अंजलि वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है, सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भारत में किसान दिवस आपको बताना है कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। दिवस से संबंधित पूछा जाएगा परीक्षा में क्वेश्चन, कन्फर्म एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में दिवस से संबंधित पूछा ही जाता है। ए करेक्ट आंसर होगा 23 दिसंबर को, या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा प्रति वर्ष 23 दिसंबर को भारत में किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा बगीचा कहते हैं, उस राज्य का नाम आपको बताना है जैसे भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को, केला को, तमिलनाडु को या फिर उत्तराखंड को। बी करेक्ट आंसर होगा केला को, या तो ऑप्शन राइट आंसर है केरल को, भारत में मसालों का बगीचा कहते हैं, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए, बताइए लाख पक्ष का खिताब किसे दिया गया था। यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, मिडवाइल हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। लाख पक्ष की जो उपाधि है खिताब किसे दिया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, यस ए करेक्ट आंसर होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख पक्ष का खिताब दिया गया था। तो 20 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20, बताइए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो सभी इसका आंसर करिएगा, क्या पूछा गया, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1988 में, यस बी करेक्ट आंसर होगा 1988 में, आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी भारत में, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक बताइए कौन थे, बी करेक्ट आंसर होगा पंडित मदन मोहन मालवी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, स्टॉर्म स्ट्रेट फ्रॉम द हर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो सभी इसका आंसर ये क्वेश्चन नंबर 23 का, बताइए राइट आंसर क्या होगा, सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, स्टेट फ्रॉम द हर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है। बी करेक्ट आंसर होगा कपिल देव, या तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है, भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं कपिल देव, इन्होंने स्टेट फ्रॉम द हर्ट नामक पुस्तक लिखी है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, बताइए हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, NTPSC परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, या महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए, बताइए दोस्तों जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। गुड इवनिंग, अभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सर फ्रैंक विटल, या ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा फ्रैंक विटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया था,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए, भारतीय संविधान का आपको बताना है भाग चार का अनुच्छेद 43(3) किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा। यह भी पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो सब इसका आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का जो भाग चार है डीपीएसपी से संबंधित है, अनुच्छेद 43(3) ये भी डीपीएसपी संबंधित है। भारतीय संविधान में जो डीपीएसपी है कहां से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सहकारी समितियों से संबंधित है। क्या करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका, सहकारी समितियों से संबंधित है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, आपको बताना है इम्फाल किस भारतीय राज्य की राजधानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो इम्फाल है किस भारतीय राज्य की राजधानी है, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर सिक्किम की, आंसर सभी लोग दीजिएगा और जल्दी से आंसर करिएगा। इम्फाल कहाँ की राजधानी है ये पूछा गया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मणिपुर की। यस, इम्फाल मणिपुर की राजधानी है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, नागालैंड की राजधानी। ओके, तो चार ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। त्रिपुरा करेक्ट आंसर नहीं होगा, त्रिपुरा की कैपिटल आप लोग याद रखिएगा अगरतला है। ए करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए, बताइए विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए आपको बताना है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, धारा मापी, अमीटर, वोल्ट मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा अमीटर, या तो ऑप्शन नंबर बी का राइट आंसर है, अमीटर का प्रयोग करते हैं, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए, बताइए भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। सब इसका आंसर करिएगा, आपको बताना है भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई को, या सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, भारत का जो प्रवेश द्वार है मुंबई को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आंसर करिए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, सभी का आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपको बताना है निम्न में से कहाँ पर स्थित है, देहरादून, हैदराबाद, लखनऊ या फिर नई दिल्ली में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हैदराबाद में, यस बी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है, बी करेक्ट आंसर होगा। 31 के लिए आंसर करिएगा, बताइए निम्न में से किस भारतीय राज्य में नेपाली भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है, जो नेपाली भाषा है अगर पूछ लें किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप लोग याद रखिएगा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके साथ ही याद रखिएगा हिंदी, संस्कृत, मराठी, ये सभी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिक्किम, यस बी करेक्ट आंसर होगा, नेपाली भाषा मुख्य रूप से सिक्किम में बोली जाती है इनमें से। 32 के लिए आंसर करिए, बताइए जास्कर निम्न में से किसकी सहायक नदी है, तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जास्कर किसकी सहायक नदी है, ब्यास, सिंधु, यमुना या फिर गंगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंधु की, यस बी करेक्ट आंसर होगा, यस डॉक्टर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सिंधु करेक्ट आंसर होगा, जास्कर जो है सिंधु की सहायक नदी है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए, बताइए बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर, आपको बताना है जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, झारखंड में, यस ए करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा भारत के झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, ए करेक्ट आंसर है इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, मिनी माता रोग बताइए किसकी वजह से होता है, जो मिनी माता रोग है आपको बताना है किसकी वजह से होता है, सीसा, कैडमियम, जस्ता या फिर पारा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मरकरी, पारा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका,
लोग याद रखिएगा, मिनी माता रोग जो है पारा की वजह से होता है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। जय राम कुमारी, इसका आंसर करिए, बताइए भूरा कोयला किसे कहते हैं। सबसे उच्च कोटि का कोयला पूछा जाए तो मैंने आपको कई बार बताया एंथ्रासाइट है, रेलवे की परीक्षा में पूछा भी गया था। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट होता है। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लिग्नाइट। यस, डी करेक्ट आंसर होगा, लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए, पाहुल प्रथा को किसने शुरू किया था? पाहुल प्रथा को आपको बताना है किसने शुरू किया था, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या फिर गुरु अर्जन देव? पाहुल प्रथा बताइएगा किसने शुरू किया था इसे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु गोविंद सिंह। ये सिख धर्म के दसवें गुरु थे, कई बार मैंने आपको बताया भी है, पूछा जाता है सिख धर्म के दसवें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। इन्होंने पाहुल प्रथा को शुरू किया था। इनका जो जन्म है पाटलिपुत्र में हुआ था, वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए, आपको बताना है किस बौद्ध संत के प्रभाव ने अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उपगुप्त के प्रभाव में, बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, मृतकों का टीला कहते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, क्या पूछा गया है? निम्न में से किसे कहा जाता है मृतकों का टीला? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहनजोदड़ो को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो कहा जाता है। अगर पूछा जाए वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहां पर है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहां पर है, तो आप लोग याद रखिएगा पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जिला है लरकाना, लरकाना जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए, बताइए प्रेम भाट का पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बी करेक्ट आंसर होगा, रसखान। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, रसखान ने प्रेम भाट का पुस्तक लिखी है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए, बताइए सुभाष चंद्र बोस ने अस्थाई सरकार की स्थापना कहां पर की थी? आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस ने अस्थाई सरकार की स्थापना कहां पर की थी, सिंगापुर, जापान, बर्मा या फिर भारत में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सिंगापुर में। यस, ए करेक्ट आंसर होगा, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थाई सरकार की स्थापना की थी सिंगापुर में। 41 के लिए आंसर करिएगा, माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह सीरियल की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो सभी जल्दी से बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल कृष्ण आडवाणी। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, या तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा, माय कंट्री माय लाइफ पुस्तक जो है लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी है। 42 के लिए आंसर करिएगा, भारत में रक्षा सेनाओं का कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। यस, भारत में रक्षा सेनाओं का जो सुप्रीम कमांडर है राष्ट्रपति होता है भारत का, बी करेक्ट आंसर होगा। 43 के लिए आंसर करिएगा, बताइए भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? क्या पूछा गया? भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ था? बी करेक्ट आंसर होगा, 1972 में। अब इसका नंबर 44 के लिए, सुंग वंश के पश्चात भारत पर किसने शासन किया था? सातवाहन वंश ने, कुषाण वंश ने, कर्ण वंश ने या फिर गुप्त वंश ने? यह भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, एंशियंट हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए सुंग वंश के पश्चात भारत पर किसने शासन किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्ण वंश ने। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, सी करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं? भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या कहाँ पर है? पूछा जाता है ये मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को भारत में बाघ राज भी कहते हैं। और 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। 46 के लिए, पानी से बर्फ बनना किस प्रकार का परिवर्तन है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
पानी से बर्फ बनना आपको बताना है किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक रासायनिक जैविक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फिजिकल चेंज। क्या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, पानी से बर्फ बनना एक भौतिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यस, ए करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। बताइए मावरी जनजाति निवासी मुक्ता निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं। क्या पूछा गया, जो मावरी जनजाति निवासी है मुक्ता इनमें से किस देश में पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड, जापान, कैनेडा या फिर। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यूजीलैंड में। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, मावरी जनजाति के निवासी जो है में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। अब आपको बताना है GUI का फुल फॉर्म क्या होता है, तब इसका आंसर करिएगा। बताइए GUI का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 48 है, आंसर सभी लोग दीजिएगा और जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ पर है। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, निम्न में से कहाँ पर है डलहौजी हिल स्टेशन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर राजस्थान में। तो सभी इसका आंसर करिएगा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हिमाचल प्रदेश में। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा, भारत के हिमाचल प्रदेश में डलहौजी हिल स्टेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बताइए निम्न में से कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है। उस धातु का नाम आपको बताना है जो हथेली पर पिघल जाती है, पोटेशियम, गैलियम, सोडियम या फिर एल्यूमिनियम। इस प्रकार से ऑप्शन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गैलियम। बी करेक्ट आंसर होगा, गैलियम जो है ये हथेली पर पिघल जाती है, बी करेक्ट आंसर होगा, एक धातु है गैलियम। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गैलियम क्या है तो एक धातु है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए दोस्तों आज की क्लास में हमने स्पेशल रेलवे की परीक्षाओं के लिए मॉडल पेपर डिस्कस किया, जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सकें। डेली क्लास होती है ये शाम को 8 बजे, टाइम को याद रखिएगा, सभी लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छे, अगली क्लास होगी कल सुबह 10 बजे, टाइम को याद रखिएगा, टाइम से सेशन ज्वाइन कीजिएगा। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।